हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय चैनल। तो यहाँ पे फाइनली बहुत टाइम बाद MSI का एक न्यू वर्जन आ चुका है जो कि MSI 5। इसके पहले जो अपडेट आया था 4.280 के आसपास जो वर्जन था वो बहुत पहले आया था, मुझे तो याद भी नहीं कब आया था लास्ट में। फाइनली यहाँ पे MSI 5 आ चुका है, तो आज हम लोग उसको टेस्ट करने वाले हैं और देखते हैं भाई क्या क्या अपडेट में नई चीज लाए हैं वो लोग, और उसके बाद हम लोग कंपेयर भी करेंगे BlueStacks 5 से और देखेंगे कौन सा ज्यादा स्मूथ है, किसमें FPS ज्यादा आते हैं, किसमें ज्यादा हेडशॉट लगते हैं, वो सब। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और MSI 5 डाउनलोड करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, सिंपली MSI 5 लिखना गूगल पे, यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी MSI.com की, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन भी दिख रहा होगा रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना है। सिंपली डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जिप फाइल मिलेगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डबल क्लिक करना है और सीधा यहाँ पे आपका MSI प्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ही इजीली। तो मैं ये फर्स्ट टाइम ही लॉन्च कर रहा हूँ आपके सामने, तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या चीजें नहीं है, क्या क्या सेटिंग्स है, तो फटाफट से हम लोग सेटिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स डिफॉल्ट पे मिल जाती है हमको। और इसका जो लेआउट या फिर इंटरफेस है ऑलमोस्ट सिमिलर है BlueStacks 5 से, जो भी लोग BlueStacks 5 यूज करते हैं उनको पता होगा ये सेम टू सेम लेआउट उसका है। और हाँ, सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे कस्टम DPI का ऑप्शन आ चुका है जो कि BlueStacks 5 में भी अवेलेबल था, MSI में ये अवेलेबल नहीं था अभी तक क्योंकि वो MSI 4 था। MSI 5 में इन लोगों ने कस्टम DPI का ऑप्शन डाल दिया जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। दूसरी जो सारी सेटिंग मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, सारी ऑलमोस्ट सिमिलर है BlueStacks 5 है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एग्जैक्ट वर्जन देख सकते हो कौन सा MSI का, और ये X86 वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, तो ये और एक अच्छी बात है MSI 5 की। अब यहाँ पे मैं फ्री फायर मैक्स डाउनलोड करता हूँ प्ले स्टोर में MSI 5 के अंदर और देखते भाई कितने FPS आते हैं, कितने ज्यादा अच्छे हेडशॉट लगते वो सब। तो यहाँ पे मैंने फ्री फायर मैक्स डाउनलोड कर ली MSI 5 के अंदर, और आप BlueStacks 5 की जो की मैपिंग है ना उसको यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हो और यहाँ पे एकदम इजीली चल जाएगी। सिर्फ आपको BlueStacks 5 के अंदर एक्सपोर्ट करना है और यहाँ पे जो इम्पोर्ट का बटन दिखा हुआ है उसके ऊपर इम्पोर्ट कर लेना है, और आपकी जो भी की मैपिंग है, एक्स एंड वाई की सेटिंग्स है BlueStacks 5 के अंदर, वो यहाँ पे MSI पे आ जाएगी। तो हमने एकदम आइडेंटिकल सेटिंग कर लिया BlueStacks 5 से, तो यहाँ पे एकदम फेयर कंपटीशन रहने वाला है कि हम लोग देखेंगे किसमें ज्यादा हेडशॉट अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेजर्ट ईगल से वन टैप ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे लग रहे। तो अभी तक तो एक भी मिस नहीं हुआ है यहाँ पे, और M10 से वन टैप ट्राई कर लेते हैं, उसमें भी एक भी मिस नहीं हुआ है, और UMP से यहाँ पे स्प्रे भी देख सकते हो, स्प्रे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एक भी मिस नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सारे रेड नंबर लग रहे। और यहाँ पे रेंज भी आप लोग FPS देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे FPS आ रहे हैं, 80-90 के आसपास आ रहे, तो अच्छे FPS आ रहे। बट हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं और वहां देखते हैं कितने FPS आते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका हूँ और यहाँ पे FPS लिटरली आधे हो चुके हैं भाई, उसमें 80 के आसपास आ रहे थे रेंज के अंदर, यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में ऑलमोस्ट 40-50 के आसपास आ रहे। और अभी अपडेट को 2 ही दिन हुए हैं और जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि थोड़ा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1 वीक या फिर 10 दिन लगेंगे ऑप्टिमाइज होने में फ्री फायर को। तो भाई करंटली तो आप कोई भी PC ऑन करते हो या फिर कोई भी इम्यूलेटर चला लो, वहां पे FPS नहीं आने वाले, 40-50 या फिर 60 FPS ही आने वाले, 90 तो आपको देखने को ही नहीं मिलेंगे। और अगर किसी के 90 FPS आ रहे अपडेट के 2 दिन बाद ही, तो मुझे भाई कमेंट में बताओ आप क्या यूज करते हो, कौन सा इम्यूलेटर है, तो मैं सबको बताऊंगा। बट यहाँ पे MSI 5 में मेरे को 2-3 चीजें बहुत बढ़िया लगी। एक तो लोडिंग स्पीड, जो यहाँ पे लोडिंग टाइम होता है लॉबी के अंदर जाने में या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाने में, वो बहुत ज्यादा अच्छा है BlueStacks 5 से। और दूसरी चीज है यहाँ पे हेडशॉट ज्यादा अच्छे लग रहे, ज्यादा स्मूथ लग रहे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। बट जस्ट टू कंपेयर यहाँ पे मैं आपको BlueStacks 5 में भी थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ फ्री फायर मैक्स के अंदर ट्रेनिंग ग्राउंड में, और देखते कितने FPS वहां पे मिलते हमको। और यहाँ पे हम लोग आ गए BlueStacks 5 के अंदर और यहाँ पे भी हम लोग फ्री फायर मैक्स में ही खेल रहे हैं विद सेम सेंसिटिविटी एंड सेम ग्राफिक सेटिंग्स, तो इसलिए हमको एकदम एक्यूरेट कंपैरिजन देखने को मिलेगी कितने FPS आ रहे। तो रेंज में तो इसमें भी हम लोग को FPS 80 के आसपास देखने को मिल रहे, बट यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते कितने FPS आते हैं। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में आते ही आप लोग देख सकते हैं हमें 40-47-50 FPS हो गए, ऑलमोस्ट आधे FPS हो गए। तो FPS के मामले में दोनों का सेम ही सीन है, BlueStacks 5 बोल लो या MSI 5 बोल लो, दोनों में ऑलमोस्ट आपको 50-40 FPS देखने को ही मिलेंगे। बट अगर स्मूथनेस की बात करो या हेडशॉट का जो ड्रैग होता है उसकी बात करो, वो MSI में ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा स्मूथली लग रहे हैं और ज्यादा लग रहे हैं। ठीक, हेडशॉट ज्यादा लग रहे हैं MSI 5 के अंदर, वो मैंने एक्सपीरियंस किया दोनों पे खेलने के बाद। तो FPS के मामले में आपको कोई भी इम्यूलेटर हेल्प अभी नहीं कर सकता, सब में आपको 60 FPS के नीचे ही देखने को मिलेंगे। बट अगर आपको बेटर हेडशॉट चाहिए और आप BlueStacks 5 पे खेलते हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप MSI 5 पे ट्राई कर सकते हो खेल के। और अगर MSI 5 ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट्स बताना कितने FPS आपके आ रहे हैं और कितने हेडशॉट लग रहे हैं। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, और भाई एक लाइक कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।